प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जुलाई को बीकानेर की नोरंग देसर के दौरे पर रहेंगी। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। दौरे को लेकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने की। इस दौरान राठौड़ ने सभा में अधिक से अधिक भीड़ जुटाने के लिए पदाधिकारियों को निर्देश दिए। राठौड़ ने गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में महंगाई राहत कैंप आयोजन किए जा रहे हैं, लेकिन जिन योजनाओं को इन शिविरों में शामिल किया गया है उनका लाभ आमजन को नहीं मिल रहा है। 8 तारीख को राजस्थान में अब तक सबसे बड़ा लोकार्पण, 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाएं जो बनी है उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। नोरंग देसर के अंदर एक बड़ी सभा रखी है, उस सभा के अंदर पीले चावल लेकर हम आए हैं। ये सभा उस संक्रमण काल में हो रही है जब राजस्थान की हुकूमत अपने कार्यकाल के अंतिम पायदान पर है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सभा में जहां उनकी बात सुनने लोग आते हैं, वहीं इस सरकार को बदलने के संकल्प को दोहराने लोग के लिए लोग भी आते हैं। अभी हमने 3 सभाएं इन दिनों में हुई, आबू रोड और अजमेर की सभाओं में जो तैयारी हमने की थी, जो डोम लगाए थे, जो व्यवस्था की थी वो छोटी पड़ी क्योंकि लोग बड़ी संख्या में आए। लोग इस सरकार से त्रस्त है, राजस्थान की हुकूमत से त्रस्त है, सरकार को बदलना चाहते हैं, समय का इंतजार है।